हम सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क की बात करते हैं और देखिए उसी तर्ज पे जो है यहाँ पे अहमदाबाद का विकास करने का प्रयास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान है जिनके नाम पे जो है अटल ब्रिज बनाया गया और उस अटल ब्रिज पे लोग आके थूक दे रहे हैं। खूबसूरत लाइट लगाया गया है, अब लाइट के ऊपर थूक दिया गया। आप देखिए दिल्ली मेट्रो में आप थूक नहीं सकती हैं, आप मुंबई मेट्रो में नहीं थूक सकती हैं, तो फिर अहमदाबाद में अटल ब्रिज के ऊपर कैसे थूक सकती हैं? जरा बताइए, ये थूकने वाला जगह नहीं है, यहाँ पे थूक देते हैं लेकिन बगल में जो डस्टबिन लगा हुआ है उसमें नहीं थूकते। हमारे देश के शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन गुटखा का प्रचार करते हैं कि खाओ कदम गुटखा, खाओ कमला पसंद, खाओ कदमों में दुनिया। जब आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ कैसे फॉलो करते हो? वहाँ तो चाले चार कदम भी तुम नहीं चल सकते उनके बिगे पूछे किए, और यहाँ जहाँ जाते हो वहाँ थूकते रहते। खूबसूरत ब्रिज कहीं विदेश के शहर में नहीं बनाया गया है, ये गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया। सत्ताईस अगस्त को साबरमती नदी पे एक कमाल का ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया। लगभग 74 करोड़ रुपया इसका लागत है, 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। और ये जो गुजरात में पतंगबाजी होता है उसी के तर्ज पे बनाया गया है। मुंबई का आर्किटेक्ट फॉर्म ने जो है कमाल का डिज़ाइन किया है। लगभग 200 सालों तक ये पुल जो है वो टिक सकता है, लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं और भारतीयों के थूक में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होता है और वो पूरा ताकत जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गुटखा खा के बहुत सारे लोग जो है थूक देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुटखा खा के यहाँ पर बहुत सारे लोग थूक देते हैं, जिसके वजह से जो है धीरे धीरे ये पुल का जो लोहा है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे हावड़ा ब्रिज का हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? डी चक्रवर्ती। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने, वो गुटखा खा के, पान मसाला खा के जो है इस पे थूक देते हैं, क्या वो सही करते हैं या गलत करते हैं? नहीं है, एकदम सही नहीं है, गलत है ये। अच्छा ये ब्रिज खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। अच्छा इसका उद्घाटन जो किया गया मोदी जी के द्वारा वो इस उम्मीद से किया गया कि ये साफ सुथरा रहेगा? साफ सुथरा रहेगा, इसकी एक अलग छवि बनेगी पूरे विश्व में। पूरे विश्व में एक अलग छवि बनेगी। 300 मीटर लंबा ये कमाल का डिजाइन वाला पुल है और इस पे जो है कुछ लोग अपना डिजाइन आके कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं गुटखा खा के, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं थूकना चाहिए किसी को भी। हाँ। और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और स्वच्छता ही हमारा मिशन है। हाँ। और मोदी जी का भी स्वच्छता मिशन है। हाँ, मोदी जी का भी स्वच्छता मिशन है। तो जो गुटखा का प्रचार कलाकार बड़े बड़े हीरो करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको तो प्रचार करना ही नहीं चाहिए गुटखे का। हाँ एकदम, कोई गुटखा किसी प्रकार, भारत में शराब से कम और गुटखा से ज्यादा लोगों की मौत होती है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट जो है वो भारत में है। और भारत का एक खूबसूरत ब्रिज से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए अभी 2 महीना पहले ही शायद से इसका उद्घाटन हुआ था, सही है कि नहीं? हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। अच्छा अच्छा ये बताइए, यहाँ पे लोग गुटखा खा के जो है फेंक दे रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं। और हर जगह आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है यहीं पे, यहाँ पे जहाँ तक आपका ध्यान जाएगा जहाँ पे पेड़ लगाया गया है डस्टबिन जो है लोग समझ ले रहे हैं कि ये डस्टबिन है, आके थूक दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लाइट लगाया गया है, अब लाइट के ऊपर थूक दिया गया, आप देखिए यहाँ पे ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? एकदम गलत है। अच्छा क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? शिवानी। अच्छा कहाँ से आई हो? ओढ़व। अच्छा यहाँ पे क्यों आई हो? घूमने के लिए इतना। अच्छा तो क्या क्या देखा तुमने यहाँ पे? कुछ बस यही नेचुरल का। नेचुरल था ये, तुमको दिखाई दिया गुटखा खा के लोग जो है थूक दिए हैं, वैसे लोगों को क्या कहना? भारत है अभी तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हो? नहीं थूकना चाहिए, और क्या कर सकते? अच्छा ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप? गलत है, थूकना नहीं चाहिए, गलत है ना? हाँ। तो जो लोग गुटखा खा के यहाँ पे थूक रहे हैं उन्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए कितना कमाल का ये पुल है, इसमें जो है लोहे का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है कांच का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो है अहमदाबाद जो है एक बड़ा शहर है गुजरात का, और वहाँ पर जो है दो ब्रिज के बीच में जो है ये बनाया गया है, लोगों
के लिए ही बनाया गया, क्या कहना चाहती हैं? पाबंदियां लगा देनी चाहिए, लोगों के लिए है ये ब्रिज, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कुछ करना चाहिए। ये हमारा अहमदाबाद है, इतना सुंदर शहर है, और ऐसे लोग कर रहे तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में आप थूक नहीं सकती हैं, आप मुंबई मेट्रो में नहीं थूक सकती हैं, तो फिर अहमदाबाद में अटल ब्रिज के ऊपर कैसे थूक सकती है? नहीं करना चाहिए ये। जरा सोचिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान है, जिनके नाम पे जो है अटल ब्रिज बनाया गया, और उस अटल ब्रिज पे लोग आके थूक दे रहे हैं, गलत बात है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले हैं, तो उन्हें भी इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान देना चाहिए। रेलवे स्टेशन में भी यही होता है, सब जगह यही करते हैं, थूक वगैरह करते हैं, पान वगैरह खा के फेंकते हैं, नहीं करना चाहिए ये। अच्छा, इस गंदगी से नुकसान होता है कि नहीं होता है? बहुत नुकसान होता है, बहुत। सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जो दिखे कंप्यूटर में सिक्योरिटी को। सीसीटीवी कैमरा तो जगह जगह पे लगा हुआ है, नहीं दिख रहे वो लोग को? नहीं दिख रहा है। पब्लिक को ही सोचना चाहिए। कैसे दिखेगा? हमारे देश के शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन गुटखा का प्रचार करते हैं कि खाओ कदम, गुटखा खाओ, कमला पसंद खाओ, कदमों में दुनिया, रजनीगंधा खाओ। बंद कराओ ना उसको, बंद कराओ ना उसको, बंद होना चाहिए। अगर गुटखा बंद हो जावे तो बहुत ही अच्छा हो जाए। बंद हो जाना चाहिए प्रचार जो करते हैं, बंद हो जाना चाहिए प्रचार, बंद होना चाहिए। नहीं खा रहे हो तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हो? दूसरे को क्यों खाने के लिए बोल रहे? अक्षय कुमार गुटखा खाते हैं? नहीं खाते। शाहरुख खान भी नहीं खाते, सलमान खान भी नहीं खाते, लेकिन हम खाते हैं। क्यों? क्यों ऐड देखते हैं आप लोग? ऐड मत देखो ना, ऐड देखोगे तो खाने के बाद ऐसे ऐसे जगहों पे थूक देते हैं। सबसे गलत बात ये है, जब मोदी सरकार इतना मेहनत करके कर रहे अपने लिए, तो अपना भी फर्ज बनता है कि नहीं पब्लिक का, कि इनको क्लीन एंड नीट रखो। मैं वही बोलना चाहता हूँ। सिक्योरिटी खुद बैठ के खा रहा है गुटखा वहाँ पे, वो क्या सेफ्टी देखेगा? खाते ही होंगे, 90% सिक्योरिटी खाते। जब आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ कैसे फॉलो करते हो? वहाँ तो चाले चार कदम भी तुम नहीं चल सकते उनके बिगे पूछे किए, और यहाँ जहाँ जाते हो वहाँ थूकते रहते हो, गंदगी फैलाते हो। इस खूबसूरत ब्रिज के दोनों बगल जो है रिवर फ्रंट बनाया गया है, और रिवर फ्रंट पे इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। देख सकते हैं आप, जगह जगह पे पेड़ों को लगाया गया है, साथ ही शादी ब्याह और फंक्शन के लिए भी जो है जगह प्रॉपर अलॉट किया गया है, और घर भी बनाया गया है ताकि जो है कोई आके जो है यहाँ पे कार्यक्रम कर सके। इस प्रकार का रिवर फ्रंट सिर्फ और सिर्फ शहरों में नहीं बनना चाहिए, और सिर्फ एक दो शहर में नहीं बनना चाहिए, इस प्रकार का रिवर फ्रंट देश के हर एक में बनना चाहिए। साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए नदी के दोनों किनारे जो है वो प्रॉपर तरीके से पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, और सिर्फ अहमदाबाद में सिर्फ साबरमती के पानी को जो है शुद्ध ना किया जाए, दिल्ली का यमुना को भी शुद्ध किया जाए, पटना में बहने वाली गंगा को भी शुद्ध किया जाए, और देश के दूसरे कोने की नदियों के पानी को भी शुद्ध करने का प्रयास किया जाए। हम सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, और देखिए उसी तर्ज पे जो है यहाँ पे अहमदाबाद का विकास करने का प्रयास किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है किसी भी शहर को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को नहीं उतना आगे लेके जा सकती है। अगर देश के लोग प्रयास करेंगे तभी देश का विकास होगा, और हमें जापानियों से सीखने की जरूरत है, जो अगर फुटबॉल मैच हार भी जाते हैं तो अपने ड्रेसिंग रूम को क्लीन करके निकलते हैं, जीतते हैं तो भी क्लीन करके निकलते हैं। और देखिए हम यहाँ पे आते हैं अपने परिवार वालों के साथ जश्न मनाने, फोटो खिंचवाने, और आने के बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी फैला के चले जाते हैं, थूक के चले जाते हैं। अब जरा बताइए, ये थूकने वाला जगह नहीं है? यहाँ पे थूक देते हैं, लेकिन बगल में जो डस्टबिन लगा हुआ है उसमें नहीं थूकते हैं। ये विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो आके गंदगी नहीं फैला रहे हैं ना, लेकिन उन नेताओं से सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में मावा और गुटखा को प्रतिबंधित किया जाए, तब जाके जो है सही में भारत स्वच्छ हो पाएगा। ये खूबसूरत ब्रिज कहीं विदेश के शहर में नहीं बनाया गया है, ये गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है, और भविष्य में ये ब्रिज अगर गिरता है तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं, वो गुटखा छाप कलाकार, वो गुटखा बनाने वाली कंपनी, वो गुटखा खा के जो है जगह जगह थूकने वाले लोग दोषी होंगे। और सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर जबरदस्त एक्शन हो, और कम से कम 5,000 रुपया का जुर्माना होना चाहिए, जो इतना मजबूत, इतना खूबसूरत ब्रिज पे घूमने आते हैं और जगह जगह थूक के चले जाते हैं। यहाँ पे एक महिला सफाई कर्मी है जो इस ब्रिज को जो है चकाचक साफ करने का प्रयास कर रही हैं,
और ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि ये ब्रिज जो है साफ रहे, लेकिन कुछ इसी देश के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग, कुछ अनपढ़ जाहिल गंवार लोग जो है यहाँ पे आते हैं और थूक के चले जाते हैं कहीं नहीं तो कहीं। ये गलत है, और सिर्फ यहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जो है लोग बैठ के जो है इसके अंदर थूक देते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी विनती है कि जो ये अटल ब्रिज बना है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, कम से कम यहाँ पे इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाए। और देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना कमाल का डिज़ाइन किया गया है, कांच लगाया गया है ताकि इसके ऊपर आके जो है लोग नज़ारा ले सकें नीचे का। और इतना खूबसूरत ब्रिज बनाने के बाद जो है कुछ लोग आके गंदगी फैलाते हैं, वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। क्या नाम हुआ आपका सर? रुपेश। अच्छा ये बताइए, इस ब्रिज पे कुछ लोग जो है मावा खा के गुटखा खा के थूक दे रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं ना? बाकी ये 300 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा, 74 करोड़ का बना हुआ ब्रिज जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बना था और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इस ब्रिज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।